हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RRM मारवाड़ योगा। तो दोस्तों, अभी सुबह के बजने वाले 7:30 और सूर्य देवता उगे इतने ऊपर आ गए हैं और ये है हमारे सुबह सुबह खेतों का नज़ारा। तो आप भी देख लीजिए, आप धीरे धीरे बाजरी की हरियाली होने लगी है और सुबह सुबह का वातावरण कितना सुहाना है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे आस पड़ोस के घर, ये भाई हनुमान राम का घर और ये है मूला राम का, जो मूला राम वो बड़ी फेर रहे हैं। ये देख लीजिए, वो अपने घर के आगे हुए एक काली झोपा सजा, उस पर बड़ी फेर रहे हैं। इतना दूर है और बाकी ये इधर का नजारा, सारों और अब तो सुबह सुबह हरियाली हरियाली है। और ये है हमारा घर, जो कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए अंदर। और उधर है हमारे बकरियों को बांधने का बाड़, इधर है मंदिर और ये पौधे। तो अब सारू मेर थोड़ी बहुत हरियाली हो गई है, अब चलते हैं नाश्ता करके निकालते हैं बकरियों को बाहर, फिर मिलते हैं आगे ब्लॉग में आपसे और क्या काम करते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। तो अभी दोपहर की बज गई 12 और मैं आज भैंस के लिए बना रहा हूँ रस्सी, यानी कि मोरा। तो इस बरसात के मौसम में जो भी पशुपालक भाई है, उनके घर में पशु है, तो उनके लिए ये बनाना ज़रूरी है, नहीं तो पशु बरसात में खींचातानी करके सीमों के अंदर डाल देते हैं रस्सी और उसके बाद में ज़्यादा दिन तक ध्यान नहीं देते हैं तो उसके सींगों के अंदर लटें पड़ जाती या कीड़े पड़ जाते हैं, तो फिर ये रस्सी डालनी पड़ती है। तो रस्सी डालने के लिए मैं सिंगल मोरी की रस्सी बना रहा हूँ, इस सिंगल रस्सी की मोरी। तो अगर जी आप मेरे बताए तरीके को फॉलो करोगे तो आप भी घर बैठे बिना किसी के घर गए आसानी से ये रस्सी बना पाओगे। तो जिसके भी घर में गाय है, भैंस है, ऊंट है, बकरी है, सभी के लिए ये कामयाबी है। तो मैं भैंस के लिए बना रहा हूँ, आपके अगर जितना छोटा बड़ा पशु है तो उस हिसाब से रस्सी लेनी पड़ेगी। तो भैंस के लिए मुझे चाहिए 2 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा। तो सब घरों में नाप तो होते नहीं है, मीटर कैसे होता है क्या होता है। तो अगर आप बड़े पशु के लिए बना रही है तो आपको ये नाप लेना है, इतना देख लीजिए, बस इस हाथ में पकड़िए यहाँ और इतनी नाप लीजिए ये, और इसको सीधा डबल कर दीजिए, बस डबल कर दिया। और इससे ज़्यादा 1 फुट और लेनी है डबल करने के बाद में। जैसे आपके पास अगर कोई दूसरा नाप नहीं है तो ये देख लीजिए, 1 ब्लॉक और ये 1.5 ब्लॉक, इतनी ले लीजिए ये। इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो तो इसको काट सकते हो, और नहीं हो तो आप सही इसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो मैं तो इसको बाद में काटूंगा, तो पहले आपको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस रस्सी को इधर से इतना नाप, इस एक सिरे को पकड़िए और यहाँ से इतना नाप, ये देख रहे, बस इतना। अगर आपके पशु का मुंह लंबा है तो थोड़ा सा ज़्यादा रख लीजिए, लेकिन इतना नाप लीजिए, ये इतना सही है बस। अब इस नापे हुए सिरे को अपनी ओर रखिए, इधर सामने रख दीजिए, जैसे इस प्रकार। अब पकड़ने का तरीका देखिए, अब ये 2 अंगुली है नहीं, इनमें से इस रस्सी को निकालना है, गांठ देने का तरीका इस प्रकार निकालिए, इसको 1 फुट से थोड़ी सी भी ज्यादा निकालें, ये देख लीजिए, 1 फुट से थोड़ी सी भी ज़्यादा,
ये निकल गई। अब ये जो पीछे रस्सी है लंबी वाली, इसको इस प्रकार इधर डाल दीजिए इधर, और ये जो हमने आगे हिस्सा रखा इसको इस प्रकार रख दीजिए। और ये डबल वाली रस्सी है, देख रहे हैं आपको मैं एक बार फिर दिखाता हूँ। जैसे ये डबल रस्सी, इस प्रकार इन दो अंगुलियों के बीच में एक फुट से ज़्यादा निकाली, और जो ये पीछे लंबी रस्सी है इसको इस अंगूठे के चारों ओर रोकर से इस आंगली के बीच में दबा दीजिए ऐसे, और जो ये आगे रस्सी है इसको इस प्रकार अपनी ओर रख दीजिए। और अब ये डबल रस्सी है इसको इस अंगूठे वाली गाड़ी के अंदर घुसा दीजिए ऐसे। तो ये देख लीजिए आपकी परफेक्ट गांठ लग के तैयार हो गई है। बस सिंगल रस्सी की ये इस प्रकार ही गांठ लगती है। तो दोस्तों ये इस प्रकार गांठ लगेगी, ये लग के तैयार हो गई है देख लीजिए ये। तो अब इसमें डालनी है भंवर कली। तो ये लंबा वाला सिरा ये पकड़िए और इसमें ये कड़ी डाल दीजिए इस प्रकार ऐसे। ये कड़ी डाल दी और ये रस्सी, अब इसको पकड़िए और जो ये अपने ये आगे सिरा सोड़ा था इसको पैर के नीचे दबा दीजिए, और जो ये डबल रस्सी है ना मैं आपको सही से दिखाता हूँ, ये डबल रस्सी ये नाक के ऊपर रहेगी, जितनी ये लंबाई है इस रस्सी की डबल आड़ी इतनी इसको रख लीजिए बस, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब इस रस्सी को इस प्रकार इसके ऊपर से लीजिए और बीच में से ऐसे निकालिए ऐसे, पूरी रस्सी को इस प्रकार निकाल लीजिए। अब इसी रस्सी को फिर से जो ये देख रहे हैं इसके अंदर से निकालिए, समझ में आ रहा है आपको। ये गांठ आपकी दोबारा भी लग के तैयार हो गई, और ये भी इसमें डाल दी कड़ी, ये देख लीजिए इस प्रकार ये आपका मोरा बन के तैयार हो गया बस। ये सिंपल और साधारण तरीका, मोरा चार पांच तरीके से बनाया जाता है और अलग अलग होते हैं सभी, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल साधारण और सिंपल तरीका बताया है। इस तरीके से आप खींच के इनको मजबूत कर दीजिए और अपने पशुओं पे बांधने के काम आएगी। और इसको पहनाने का तरीका ये देख लीजिए, जैसे ये भंवर कड़ी ये नीचे रहेगी गले के, और जो डबल रस्सी है ये नाक के ऊपर रहेगी, और इस प्रकार मुंह में पहना के जो ये रस्सियाँ हैं ना इनको कान के नीचे से होकर सींगों के पीछे बांध दीजिए। तो दोस्तों ये जुगाड़ू वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके अवश्य बताना, और मेरे चैनल पर नए चैनल के सदस्य ले घंटी का बटन अवश्य दबा देना तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और भी दूसरी साइज से वो मोरी बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं वो भी वीडियो अपलोड करके चैनल पर डालूँगा। थैंक यू जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ और वीडियो का आनंद लीजिए।